हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आप सब याद होगा पिछले एपिसोड में क्या चल रहा था। हमारे जो गोहान, किरिलिन और बुलमा है, वो ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढते ढूंढते ड्रैगन बॉल को पहुंच गए हैं एक बहुत ही बर्फीली जगह पर, जहाँ पर वो अपनी एनर्जी से वो बर्फ को पिघला रहे हैं और जो ड्रैगन बॉल है वो जमी हुई है। और बुलमा बोलती है कि तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं किरिलिन और गोहान, ये इतना भी आसान नहीं है बुलमा। और वो अपनी एनर्जी दोबारा से लगाना शुरू कर देते हैं और बुलमा कहती है, अरे मेरी स्किन कितनी ग्लो हो गई है यहाँ पर आकर, देखो कितनी अच्छी हो गई है। और तभी किरिलिन कहता है कि बस हो गया, और तभी अपना हाथ अंदर डालता है और कुछ निकालने की कोशिश करता है। और वो अपना बाहर हाथ बाहर निकालता है तो देखता है ड्रैगन बॉल, और वो तीनों खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो तीनों खुश हो रहे होते हैं कि वो गुफा टूटने लगती है और बुलमा बोलती है कि वो नमिकन कहाँ है, वो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और तभी उनकी ज़मीन भी नीचे से खिसक कर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों नीचे गिरते हैं, वो एक पत्थर पर यानी एक बर्फ़ के टुकड़े पर गिर जाते हैं और वो दोनों तो बैठ जाते हैं। और गोहान पीछे वो भागता हुआ होता है, मतलब उसी पत्थर के टुकड़े पर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और उसका बैलेंस सही बन जाता है। और वो देखते हैं कि जो वो पत्थर है वो चल देता है और वो बहुत स्पीड से चलता हुआ जा रहा है। और किरिलिन देखता है कि सामने कुछ है और वो कामेहामेहा बनाता है और उसे अपनी पूरी कामेहामेहा से मारने की कोशिश करता है। और वो सामने उस गुफा के जाकर लगती है, और जिससे कि किरिलिन उसका जोर ज़्यादा होता है और किरिलिन पीछे को गिरने वाला होता है। तभी गुहान उसका पैर पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर वो तीनों बैठे हुए जाते हैं और वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से वो आराम से उस पर बैठे हुए हैं और वो अपने आप ही बहुत ही स्पीड से चलता हुआ जा रहा है। अचानक से फिर हमें दो मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, दो बड़े बड़े से नीले और लाल कलर के दो मॉन्स्टर हैं। वो कुछ देख कर हंस रहे हैं कुछ LCD वगैरह में। और तभी वो एक बटन दबाते हैं और बुलमा हर के पीछे एक बल्ब का गोला आ जाता है। फिर हमें कभी दूसरा सीन दिखाया जाता है। दूसरा सीन होता है उस प्लेनेट का जिस पर वेजिटा है। वेजिटा से एलियन बात कर रहा होता है कि ए वेजिटा, अब तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे आर्मर की इतनी गंदी हालत कैसे हो गई, तुम कहाँ गए थे। तो वेजिटा उसे ज़्यादा कुछ बताता नहीं है और वेजिटा वहाँ से चुपचाप चल देता है। तभी वो एलियन भागा हुआ आता है और कहता है कि अपना स्काउट तो ले लो। वेजिटा बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वो होता है गोकू का। गोकू खड़ा हुआ है एक पहाड़ के सामने और अपने शरीर से पूरी एनर्जी निकालता है और अपने शरीर के चारों तरफ एक ओरा बनाने की कोशिश करता है, यानी एक माना स्किन की तरह है। और वो उस ओरा को बनाता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है, जिससे ताकत लगाने की वजह से वो अपने सामने रखे पहाड़ को अपनी एनर्जी से उठा पाता है और वो उसे उठाकर हवा में ले जाता है और फिर उसे अपनी उंगलियों से कंट्रोल करता है। और जैसे ही वो उसे आसमान में फेंकता है और अचानक से उसकी ओर उड़ने लगता है और उसको चीरता हुआ उसके पार चला जाता है। जैसे ही वो पार जाने वाला होता है तो वो पत्थर टूट जाता है और गोकू भी नीचे गिर जाता है। और गोकू सोचने लगता है, हाय मेरी बॉडी। और कोकू को फिर फूल देखते हैं और वो फूल देखकर आराम से पड़ जाता है और कहता है कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, काश ये जिस तरह ही शांत रहते हैं पृथ्वी भी इसी तरह शांत रहती। फिर हमें वापस वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुलमाहर के पीछे एक बर्फ़ का गोला आ रहा है। वो किरिलिन को पकड़ती है गर्दन और कहती है किरिलिन कुछ करो। किरिलिन पीछे देखता रहता है और किरिलिन देखता है कि जिस गुफा में वो आ रहे हैं उसके ऊपरली साइड कुछ नोकीले पत्थर लगे हुए हैं। किरिलिन गोहान को कहता है, गोहान क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। किरिलिन कहता है ठीक है। गोहान किरिलिन बोलता है कि चलो करते हैं। गोहान बोलता है ठीक है करते हैं। और फिर वो अपनी पावर बनाते हैं और ऊपर मारते हैं। जैसे ही वो ऊपर मारते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो बर्फ़ का गोला इतनी तेज होता है कि वो उस पर लग जाते हैं। अब बर्फ़ का गोला नुकीला भी हो चुका है, अब वो कीले उसे रोकने के बजाय उसी के साथ ज्वाइंट हो गए। और तभी उन्हें एग्जिट पोल दिखता है और बुलमा बोलती है कि अरे वो देखो एग्जिट। और तभी वो एग्जिट से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो एक बहुत ऊंचाई पर होते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं। जैसे वो नीचे गिरने लगते हैं बुलमा बहुत जोर से रुक्का उतारते हैं और गोहान और किरिलिन बुलमा का हाथ पकड़कर हवा में उड़ जाते हैं और वो पत्थर नीचे गिर जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वो ज़मीन पर आ गए हैं और ज़मीन पर चलते हुए जा रहे हैं और किरिलिन के दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन किरिलिन उन्हें कुछ नहीं बता रहा। फिर वो एक नदी के पास से गुजरते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है और उनका फोटो खींच रहा है। और फिर हमें दो एलियन दिखाए जाते हैं, वही पहले वाले, और वो हंसने लगते हैं। बुलमा देखते हैं कि अरे ड्रैगन बॉल अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो यही है। और जब भी वो वहाँ से जाते हुए होते हैं उन्हें सामने खड़े हुए सफ़ेद सफ़ेद पेड़ दिखते हैं, जो कि बहुत ही ऊँचे ऊँचे पेड़ है। और किरिलिन को कुछ गड़बड़ लग रही है और तभी किरिलिन देखता है कि एक पैर का बहुत बड़ा सा निशान। और फिर वो सोचने लगता है कि अरे ये तो वही जगह है जहाँ पर वो ड्रैगन था।
यही सही चलते हुए वो ड्रैगन गया था, पर अब की बार ये जगह मुझे हल्की सी कुछ बदला हुआ लग रहा है। वैसे ज़्यादा बदला हुआ नहीं होता, पर किरिनिन अपने हाथ में लिए ड्रैगन बॉल को गौर से देखने लगता है और बुलमा और गुहान से बुलाते हैं, किरिनिन क्या सोच रहे हो, जल्दी आओ। और फिर किरिनिन भागता हुआ उनके पास चला जाता है। अब वो तीनों एक झरने के पास आए हैं जहाँ पर एक नदी है, नदी के बीच में एक अजीब सा मुंह बना हुआ है, उसमें से पानी निकल रहा है। और बुलमा बोलती है कि ड्रैगन बॉल यही है, शायद यही इसी के आसपास। और गोहान कूदता हुआ नदी में नदी के बीच में चला जाता है, उसमें बीच में पहाड़ियाँ सी बनी हुई होती है और वो उन्हीं उनमें से ही एक पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है। और बुलमा बोलती है किरिनिन को, किरिनिन क्या तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। किरिनिन आगे छोटी सी करके बोलता है कि क्या तुम हर बार मुझे ऑर्डर देती रहती हो। और तभी बुलमा कहती है कि तुम नहीं चाहते कि जब यापता मुझे देखे कि मैं उन्हें सुंदर लगूँ। और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि इसे अभी भी यहाँ पर सुंदर लगने की पड़ी है, हमारे सारे दोस्त खतरे में। तभी हमें गोहान दिखाया जाता है, गोहान कूदता हुआ आगे बढ़ता रहता है और अचानक से गोहान हवा में रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे गोहान उड़ रहा हो और एक्टिंग कर रहा हो। फिर लेकिन गोहान को किसी ने पकड़ा हुआ होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। गोहान रुके मारता है, आवाज़ मारता है, किरिनिन प्लीज़ हेल्प मी, समबडी हेल्प। बुलमा बोलती है गोहान यहाँ मजाक करने का टाइम नहीं है, ये क्या तुम नाटक कर रहे हो। तो गोहान बोलता है कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। और वो हवा में उड़ता हुआ चला जाता है और गोहान उल्टा हो जाता है। तभी किरिनिन उसकी ओर भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है उन दोनों नेमिक ने आकर बुलमा को भी पकड़ लिया है। फिर अगला सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है जो चीची है और मास्टर रोशी वो एक उड़ने वाले यंत्र में उड़ रहे हैं और गोगो को ढूंढ रहे हैं। वहीं पर चीची को गोगो दिखता है, चीची खुश हो जाती है गोगो, लेकिन वो दिखाती ये है कि जैसे उससे गुस्सा आ रहा है, कहते हैं कि वो वहीं पड़ा है और अपना स्पेसशिप से वो नीचे उतारती है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है उस प्लेनेट का, यानी वेजेटा के प्लेनेट का, और वेजेटा चलता हुआ आ रहा होता है। अचानक से उसके सामने एक और एलियन सा आ जाता है, शायद वो भी उसी के प्लेनेट का है, वो बड़ा अजीब सा होता है। और वेजेटा उसके पास से आगे निकलता हुआ चला जाता है। वो तभी वो वेजेटा के कंधे पर हाथ रखकर वेजेटा को रोकने की कोशिश करता है और वेजेटा कहता है कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीना नहीं चाहते, तुम मार खाना चाहते हो। तभी वो डर जाता है और कहता है कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो वेजेटा, हम सबको पता है कि कोई भी फ्रीजा को नहीं हरा सकता, हम में सबसे ताकतवर फ्रीजा है। और वो उसे बताने लगता है कि तुम प्लेनेट अर्थ पर गए थे शायद ड्रैगन बॉल्स के लिए और तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, और तुम्हें पता है फ्रीजा कहाँ है, फ्रीजा प्लेनेट नेमिक पर गया है ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए ताकि वो अमर हो सके। वो तभी वेजेटा उसकी बात को बिना सुने भागता हुआ चला जाता है और उसी एलियन के पास जाता है जो उसे स्काउट दे रहा था, उसके हाथ में स्काउट छीनता है और भागता हुआ चला जाता है और कूदकर अपनी स्पेसशिप पर बैठ जाता है और अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और तुरंत वहाँ से उड़कर चला जाता है। हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुलमा को उन्होंने पकड़ रखा था, गोहान कहता है कि उससे छोड़ दो, वो तभी वे दोनों से छोड़ देते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं और वो बड़े से होने लगते हैं और उनके कपड़े से फट जाते हैं, यानी कि वो कोई डेमिक नहीं थे, वो तो एलियंस थे, एक लाल रंग का और एक कत्थई रंग का। और तभी किरिनिन बोलता है अरे तुम तो वही मॉन्स्टर हो ना जो उस गुफा में बने हुए थे। तो वो मॉन्स्टर बोलता है हाँ वो हमारे पूर्वज है। और तभी वो देखता है कि जो उनका प्लेनेट है वो भी शेप बदलने लगता है, मतलब कि उस प्लेनेट नेमिक की तरह जैसे वो बने हुए थे यहाँ पे घर से, और वो सब अलग अलग तरह से होने लगते हैं, डायमेंशन बदलने लगती है, जमीन बदलने लगती है। और तभी किरिनिन सोचता है अरे वो सब तो सिर्फ नजरों का धोखा था, वो इन सब की चाल थी, इन्होंने वो किया है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये कोई आम इंसान नहीं है। और तभी वो देखता है कि वो प्लेनेट तो पूरी तरीके से बदल चुका होता है और वो कोरोना का आकार ले लेता है, ये तो कोरोना जैसा लग रहा है, और वो कोरोना का आकार ले लेता है और वो जेब में से अपनी ड्रैगन बॉल निकालता है और देख लेता है, देखता है क्या ये तो एक पत्थर है, सिर्फ एक मामूली पत्थर, इसका मतलब तुमने हमारी नज़रों को धोखा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोहान जो हवा में लटक रहा था उसे किसी मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ होता है और पानी के अंदर कोई मॉन्स्टर है जिसने उसे पकड़ा हुआ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किरिनिन स्पीड से भागता हुआ गोहान को बचाने के लिए चला जाता है, और जैसे ही वो गोहान को बचाने के लिए पानी में पैर रखता है, मतलब कि पहाड़ियों सी पे, तो उसका पैर भी वो मोटर पकड़ लेते हैं। फिर तब हमें दिखाया जाता है वेजेटा बहुत स्पीड से जा रहा है और अपना जो गोगो है गोगो को वो फिर से चीची हॉस्पिटल में लाई है। तो दोस्तों देखते ही अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या गोहान और किरिनिन उसे बचा पाएंगे।
क्या वेजिटा फ्रीजा से पहले प्लैनेट रेमिक पर पहुंच पाएगा, क्या गोकू पहले जैसा ठीक हो पाएगा, इन सभी का सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।